आनंद कोटि नमन करता हूँ। ममता सेन श्रद्धेय सिद्ध भाव जी को कोटि कोटि नमन, और सभी गुरुजन और सभी प्रेरणा जिनने दी है उन सभी को बहुत बहुत मेरा नमन। मैं डॉक्टर सर्वेश्वर एलोपैथी से पीजी हूँ और बहुत सारा कार्य किया अलग अलग क्षेत्र में, बट ये चिकित्सा जो हम बताते थे, जो हमने पढ़ा और जब यहाँ पर जाना, बिल्कुल उल्टी चीज़ें हैं। तो ये समझ में आता है कि कितना उल्टा प्रसार हो रहा है। एलोपैथी बहुत अच्छी मेडिसिन है, इमरजेंसी के लिए बहुत बेटर है, बट नेचुरोपैथी से बेस्ट पृथ्वी पर इस ब्रह्मांड में कोई भी पैथी है नहीं। इसको जाना, समझा, कुछ पढ़ा, बहुत समय से इस पर कार्य किया, फिर मौका मिला शिविर होने के लगभग 8 दिन पहले रमेश तेवानी जी से मिलना हुआ, तो उनसे जो सुनना हुआ वहाँ पे, इतने व्यस्त थे चैम्बर में बैठे, फिर भी वो बता रहे थे कंटिन्यूसली, तो समझ में आया कि ये मिसाइल है, एक्चुअली ये तोप नहीं है, ये मिसाइल है। और जो उनका भाव था एलोपैथी के प्रति, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें ये भाव तो आया कि मैं भी इस पैथी से हूँ, तो ये तो मेरे लिए गाली है, पर मुझे लगा ये गाली नहीं है, धन्यवाद है। फिर वो हमारे विमल छाजेड जी को भी मैंने कंटिन्यूसली सुना, उनके साथ कुछ समय कार्य करने का मौका भी मिला, तो ये समझ में आया कि पृथ्वी पर इतनी सुंदर चीज़ अवेलेबल है और जो लोग जान नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो सबसे पहले ये प्रण किया, ये इंटेंशन लिया मैंने कि क्यों ना अपने ऊपर ही अप्लाई किया जाए। तो इसको जाना, और फिर साइंस है तो एक दिमाग में होती है चीज़ें कि जब तक उसको डीपली जान नहीं लें, जब तक जान नहीं लें, जब तक करते नहीं, तो बहुत सारा नेट पर, अलग अलग बुक्स पर ये सब करते रहे। रमेश जी के पास आकर वो यात्रा समाप्त हुई। रमेश जी से जब मिलना हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारा लिटरेचर, बहुत सारी चीज़ें दी, उसको देखना हुआ, पढ़ना हुआ, और उसी दिन मौका मिला कि तब सेवा सुमिरन से पाटिल साहब आए हुए थे और भार्गव जी से भी वहाँ मिलना हुआ, और फिर उस दिन लास्ट पे एक सेमिनार भी अटेंड करना हुआ। तो फिर ये पक्का हो गया उसी दिन, और ये निर्णय लिया कि अब आने वाला जीवन जितना भी पृथ्वी पर बाकी है उस पर कार्य किया जाए, कि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को सिर्फ ये बताया जाए, क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल हैं, कहीं भी बाहर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति सब कुछ दे रही है, हवा पानी, जैसा यहाँ पर लिखा होता है डॉक्टर आकाश डॉक्टर सूर्य, तो सब कुछ अवेलेबल है, बस उसको सही तरीके से लेना है। तो फिर निर्णय लिया और कार्य करना शुरू किया। तो उसी दिन से शाम से मैंने ये अपक्व आहार की शुरुआत की, और विद इन 3 डेज में मेरे को यहाँ कुछ तकलीफ तो ज़्यादा नहीं थी, एक एक्सीडेंट बहुत मेजर हुआ था मेरा 2006 में, तो उसके बाद से सर्वाइकल में दिक्कत हुआ करती थी। तो 3 दिन मैंने ये लिया, तो 3रे दिन से अपने आप उसमें करीब 80% डिफरेंस मुझे महसूस हुआ, तो वो मेरे लिए निमित्त बना, और फिर मैंने उसको कंटिन्यूली आगे शुरू किया। फिर यहाँ आकर पहली बार जब मैं आया, तो 27 तारीख की रात में जो भोजन था, पक्व भोजन, वो यहाँ पर लिया, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचा। तो यहाँ की जो टीम है, एक्चुअली उसको देखकर बहुत बहुत एनर्जी महसूस हुई, और जितने भी तेज सेवक हैं, जितने भी यहाँ पर सेवादार हैं, उनका जो भाव है, यहाँ ये महसूस हुआ कि संत की भूमि है और हम बिल्कुल आश्रम में हैं, और सारे संत मिलकर हमें मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सिद्ध भाव जी का नाम काफ़ी समय से मैंने सुन रखा था, बट बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आकर आज मुझे इतने बहुत सुंदर स्थान पर मुझे दर्शन का लाभ मिला है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर निखिल एक मेरे मित्र हैं, तो उनसे ये मुझे यहाँ की और बातें पता चली। 2014 में एक बार मुझे 2 बार आने का मौका मिला था। वैसे मैं मुंबई से हूँ, पर काफ़ी समय से मध्य प्रदेश में कुछ कार्य कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्टर निखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो निमित्त बने मेरी इस यात्रा में, और जो पूरा परिवार यहाँ मिला है, सभी का प्रेम और सभी के जो भाव, शुद्ध भाव से हम लोग यहाँ पर रहकर जो ले पाए हैं, उसके लिए मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा देता हूँ कि आने वाले जीवन में हम सभी ये करें। मैंने तो इंटेंशन ले लिया है कि अब आने वाला जो जीवन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा का को प्रमोट करना है, और जितना ज़्यादा हो लोगों तक पहुँचाना है, और आने वाले जब भी शिविर होंगे तो सेवा के लिए भी मैं उपलब्ध हूँ, जब भी यहाँ रहूँगा तो मैं सेवा में उपलब्ध रहने वाला हूँ। तो मैं सभी को और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।